दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने वालों की सरगर्मी से तलाश शुरू हो गई है। एनएसए अजीत डोभाल के कमान संभालने के बाद हिंसाग्रस्त इलाकों में अमन भी लौट आया है और लोगों का भरोसा भी बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही हिंसा पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक शांति मार्च निकाला जिसे पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद प्रियंका धरने पर बैठ गई। वहीं लेफ्ट पार्टियों ने हिंसा को लेकर सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों में फैली दंगे की आग को शांत करने के लिए देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने खुद मोर्चा संभाल लिया। वो उन सभी इलाकों में पहुंचे जहां हिंसा हुई थी। इस दौरान अजीत डोभाल ने दंगा पीड़ितों और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। इतना ही नहीं, एक तस्वीर में तो डोभाल पुलिस कर्मियों को नसीहत भी देते नजर आए। दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करते वक्त अजीत डोभाल ने लोगों से हिफाजत का वादा किया और कहा कि दिल्ली पुलिस मुस्तैद। मैं इस इलाके में आया जी सर, सबसे मिला, गलियों में भी गया, लोगों के घरों में भी गया, आप लोग भी साथ थे। लोगों के अंदर में एक जहती है, एकता की भावना है, कोई दुश्मनी नहीं है। कोई 2-4-10 क्रिमिनल्स इस तरह का काम करते हैं, उनको लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग, सब लोग इसके साथ में वो हैं। और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट है और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। खुद के बीच देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को देख लोग जहां हैरत में थे, वहीं इस बात की भी राहत महसूस कर रहे थे कि अब उनकी हिफाजत का जिम्मा खुद एनएसए के हाथ में। अजीत डोभाल जी आए थे मोजपुर में, सबसे कहा है कि आप पीसफुल हैं, आप सुरक्षित हैं। हम लोग बहुत सुरक्षित हैं मोजपुर के अंदर। मोजपुर दिल्ली का वही इलाका जहां दंगाइयों ने काफी उत्पात मचाया था। इस इलाके में अमन के लिए बड़ी संख्या में जवान तैनात किए गए हैं, तो अजीत डोभाल ने यहाँ लंबा पैदल मार्च निकालकर लोगों से अपील की है कि वो अफवाह पर ध्यान न दें। देख सकते हैं एनएसए अजीत डोभाल इन इलाकों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि मौजपुर इलाके में जिस तरह से हिंसा की बातें हुई थी उसके बाद लगातार अजीत डोभाल बीती रात से संपर्क में थे और गृह मंत्रालय के साथ मीटिंग के बाद कोशिश की जा रही थी कि उन इलाकों का दौरा किया जाए। उनका ये कहना है कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम के इलाके हो, सब जगह बराबर नुकसान हुआ है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए। और इसको लेकर यहाँ पर अजीत डोभाल लगातार इलाके में राउंड पर हैं और कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि किस तरीके से लोगों के बीच में जो डर था उसको दूर किया जाए। एक तरफ जहाँ एनएसए अजीत डोभाल पैदल मार्च कर रहे थे तो दूसरी ओर हिंसा को लेकर राजनीति भी पूरे उफान पर थी। कांग्रेस ने इस सिलसिले में एक शांति मार्च निकाला। पुलिस ने जब प्रियंका गांधी को आगे बढ़ने से रोका तो वो धरने पर ही बैठ गईं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली में चल रही हिंसा के खिलाफ शांति मार्च का आयोजन किया गया था और प्रियंका गांधी शांति मार्च में अकबर रोड से निकली 30 जनवरी मार्ग जाने के लिए गांधी स्मृति स्थल तक, लेकिन जनपथ पर रोका गया है ये बैरिकेड लगाकर पुलिस के द्वारा। तो प्रियंका गांधी यहीं पर जमीन पर बैठ गई अपने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ। इस दौरान प्रियंका गांधी ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, साथ ही इस बात की मांग भी की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम चाहते हैं कि सरकार एक्शन ले, हम चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से प्रयास करे कि शांति बनी रहे। जिसका नुकसान हो रहा है उसकी मदद हो, जो अस्पताल में है उसकी मदद हो, जिसके घर जलाए गए हैं उनकी मदद हो। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिंसा को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है, फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है। सोनिया गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस पर हिंसा के नाम पर सियासत करने का आरोप मढ़ा। अभी लोग जख्मी है, हॉस्पिटलों में है, अभी जांच की शुरुआत हुई है। ऐसे में सभी पार्टियों का काम होता है कि शांति स्थायी हो और उसमें मदद करे, उसके बजाय
सरकार पर दोषारोप करना ये गंदी राजनीति है। हिंसा को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट नेताओं ने भी प्रदर्शन किया। ये तमाम सिटीजन्स एक साथ मिलकर जो सामाजिक मुद्दे के इन्वॉल्व है और जो पॉलिटिकल पार्टीज ये समझते हैं कि जो कुछ दिल्ली में हो रहा है दिल्ली की जनता की आवाज नहीं है, ये संयोजित ढंग से इस प्रकार की सांप्रदायिक एक नेचर देने की जरूरत है। फिलहाल तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब स्टेज की तरफ देखें तो वृंदा करात यहाँ पर हैं, कविता कृष्ण हैं और थोड़ी देर पहले सीताराम येचुरी भी यहाँ पर पहुंचे थे, डी राजा भी थे। तो ये तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसमें लोगों की जाने जा चुकी हैं और ऐसे में इनका ये कहना है कि हिंसा और ना भड़के और ज्यादा इस तरह की घटनाएं ना हो। शाम होते होते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने दिल्ली हिंसा को लेकर मुआवजे का ऐलान कर दिया कि केंद्र सरकार शायद 1 करोड़ रुपए का उनको सम्मान राशि दे रही है। दिल्ली सरकार भी, दिल्ली सरकार की पहले से नीति है, दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी और उनके एक परिवार के एक व्यक्ति को दिल्ली सरकार में नौकरी देगी। फिलहाल दिल्ली शांत है और लोग ये दुआ कर रहे हैं कि जो तस्वीर उन्होंने बीते दिनों देखी वो अब न दिखे और दिल्ली में अमन चैन बरकरार रहे।